मुख्तसर तरीन रखेंगे ताकि जो लोग आए हैं वो जल्द से जल्द वापस आ सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मीडिया के जो मज़ेस मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने आप को प्लीज़ ऑर्डर में रखें। हमारे लिए ये आज का गैदरिंग बहुत अहमियत की हमल है क्योंकि ये वंस ऑफ ईयर आती है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपने मुजाहरा करें। ओके जी, तो सबसे पहले आपको खुश आमदेद कहने के बाद मैं मेंशन करना चाहूँगा आज की इस तकरीब में जो हमारे मेन पार्टिसिपेंट्स और जो हमारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल के सेक्रेटरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और यूनो डी सी की तरफ से हमारे पास यूनो डी सी के सरबराह मिस्टर जेरेमी नेल्सन मौजूद हैं और हमारे ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर शहजाद राय यहाँ पे मौजूद हैं। तो विदाउट फर्दर एडू हम इसको मुख्तसर तरीन रखते हैं। सबसे पहले यूनो डी सी के सरबराह मिस्टर जेरेमी नेल्सन आपको अपना पैगाम पढ़कर सुनाएंगे। Assalamu alaikum. It's really wonderful to be here today. It's just amazing to see so many people from all walks of life and society coming out for this special day to stand up against the dangers of drugs and drug abuse. Today's International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. And the theme today is share facts on drugs and save lives. So this is all about all of us, no matter what sector of society we come from, uniting to educate ourselves, to educate others, and to tackle this problem together. If we're aware of the dangers, we can better support our families and those we care for. If awareness of the risks and access to prevention and treatment is extended throughout society, then we'll all be able to prevent and drug abuse and make a real difference. So I don't think I need to say much today, but just a thank civil society and private sector, all the school children who've come out today. It's a really wonderful to see people standing up against this problem and taking it very, very seriously. It's a really important message we're sending. So thank you very much. Now I would like to invite Minister of Narcotics Control to say a few words for the occasion. Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो लोग यहाँ गर्मी में आए और उन्होंने ये वॉक की और उस कार खैर में बरकत अपना हिस्सा डाला। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ड्रग की वबा है, ये वबा इतनी ही डेंजरस है जितनी आजकल हमारे ये जो हम कह रहे हैं ना कि जी मौसम चेंज हो रहा है, इतने इतने बड़े हेल स्टॉर्म पड़ रहे हैं, सावन भादो जो है वो जून में शुरू हो गया है, तो ये अगर हमने इस वबा को कंट्रोल ना किया तो मैं आपको ये बताऊं कि अगले 5-10 साल में ये वबा जो है ये हमारी एनवायरनमेंट से भी ज़्यादा हमें तंग करेगी और
साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एंटी नारकोटिक फोर्स का या नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीजन का काम नहीं है। हम कितने 22 करोड़ आवाम हैं, हम ज़्यादा से 5-6 हज़ार की नफरी होंगे, तो इसलिए ये सेगमेंट का हर आदमी शुरू से, घर के शुरू से माँ बाप बहन भाई मौलवी मस्जिद का उस्ताद हर एक आदमी को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और हमें इसकी अवेयरनेस लोगों को बताना चाहिए कि ये कितनी डेंजरस चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जब हम इस किस्म की वॉक्स करेंगे, जब हम लोगों को इसकी इफ़ेक्ट्स बताएंगे कि इसका क्या असर होता है हमारी सोसाइटी पर, और आखिरी स्टेज ये आती है इसके ऊपर कि आदमी बिल्कुल पागल हो जाता है, तो जब ये सोसाइटी आ जाएगी तो ये आप समझें कि वो आदमी जिसको इसकी लत पड़ गई है वो इस सोसाइटी का अच्छा मेंबर नहीं रह सकता। तो इसलिए मैं आप सबको, बहन भाइयों दोस्तों असातिज़ा को, ANF वालों को, जो भी हैं, ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे मुल्क का काम है कि सारे इसमें मिलकर इसकी अवेयरनेस जो है वो इसको लोगों को बताएं कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि डरिएगा नहीं, ये जो आदमी बेचारे एक दो पी रहे होते हैं सड़कों के ऊपर सिगरेट पी रहे होते हैं, ये क्रिमिनल नहीं है। क्रिमिनल वो आदमी हैं जो इनको लाकर देते हैं, और जो इनको लाकर देते हैं, मुझे पता है कि अगर मैं F7 में सेक्टर H